लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। कौन हुकुम का इक्का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट ओशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। दिल्ली के सीएम जयराम ठाकुर की दिन दहाड़े हत्या के बाद आईपीएस शिंदे इस केस की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं कि तभी उन्हें एक लीड मिलती है। उन्हें वीडियो फुटेज में शूटर का हुलिया दिख जाता है, तभी वो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर्स देते हैं। ये शूटर हमारे लिए इस केस का सबसे अहम हिस्सा होने वाला है। अगर हमें यह मिल गया तो बहुत ही आसानी से हम ये जान सकते हैं कि आखिर सीएम जयराम ठाकुर की हत्या के पीछे कौन था। ऑर्डर्स मिलते ही सभी ऑफिसर्स शूटर की तलाश में लग जाते हैं। दो दिन बाद एक पुलिस वाला आईपीएस शिंदे के पास आता है और उनसे कहता है, अभी अभी खबर आई है कि वो शूटर जिसे हम सीएम जयराम ठाकुर मर्डर केस के सिलसिले में ढूंढ रहे थे, उसकी हत्या कर दी गई है। फरीदाबाद हाईवे पर उसकी डेड बॉडी मिली है। फरीदाबाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी मौत के पीछे का रीज़न क्या था। ये सब सुन आईपीएस शिंदे परेशान हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करें। सीएम मर्डर केस को सॉल्व करने का सबसे बड़ा क्लू उनके हाथ से निकल गया। अब ये जानना भी मुश्किल था कि आखिर उस शूटर को किसने मरवाया। तभी आईपीएस शिंदे को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक कॉल आती है। प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट कहता है, सर मंत्री साहब ने आपको एक घंटे के अंदर ऑफिस में बुलाया है और कहा है कि ये काफ़ी अर्जेंट है। थोड़ी देर बाद शिंदे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचता है, जहां पीएम उसे कहते हैं, ये क्या मजाक चल रहा है शिंदे, दिन दहाड़े भरी रैली में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की हत्या कर दी जाती है और उतनी ही सिंप्लिसिटी से सीएम के शूटर का भी मर्डर हो जाता है और दिल्ली पुलिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। शिंदे, तुम दिल्ली पुलिस के एक वन ऑफ द बेस्ट एंड लॉयल ऑफिसर हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये केस हैंडल करने को दिया था, लेकिन लुक एट यू, क्या हुआ। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे हाथ लगते लगते इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट क्लू छूट गया। ये सब सुन प्रकाश यादव गुस्से में वहाँ से बाहर आता है और अपने पीएम से वकील को कॉल करने को कहते हैं। बाहर बहुत सारी मीडिया प्रकाश यादव से सवाल करती है तो वो कहते हैं, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, जनता पार्टी की एक सुई भी खोती है तो वो हमारे लोगों पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं, पर हम पुलिस का पूरा साथ देंगे, हम भी तो देखें इन्हें कैसा लिंक मिला है। इतना बोलते ही वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो क्या करेगा प्रकाश यादव, जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।